हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, गर्मी का सीजन आ गया है, हमें ठंडा ठंडा चीज खाने को मन करता है, तो आज हम ये सोच के बूंदी का रायता का रेसिपी लेकर आए हैं। आपने दूधी का रायता, ककुम्बर रायता, प्याज टमाटर के रायते तो खाए ही होंगे, पर बूंदी का रायता आप खा के देखिए और मेरे तरीके से बनाएंगे, ये और ही टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम चावल के साथ, पूरी पराठे के साथ या फ्राइड राइस हो, कभी भी खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप जरूर बनाइएगा। अगर आज की मेरी ये रायते की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। रायता बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक कटोरी बूंदी लिया है, एक कटोरी दही, लाल मिर्च पाउडर, सफ़ेद नमक, ब्लैक पेपर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता, जिसे हमने धो के छोटे छोटे काट रखे हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बड़ा सा बॉल ले लिया है, उसमें हम ये दही को डाल देंगे। दही अपनी गाढ़ी है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। कभी भी हम काकड़ी का या प्याज टमाटर का दूधी का रायता बनाते हैं उसमें पानी नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि उसका खुद का पानी होता है। पर यहाँ पे हम बूंदी रायता बना रहे हैं तो दही थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। बूंदी पानी को अब्जॉर्ब करती है, तो अब हम दही को अच्छे से फेंटेंगे। तो आप चाहें तो चम्मच से फेंट लीजिए या विस्क से, अच्छे से इसे फेंट लेना है। आप देख सकते हैं अपनी दही जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी है। दही अभी भी गाढ़ी है तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। हमें ऐसी ही दही की कंसिस्टेंसी चाहिए बूंदी रायता के लिए। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। तो यहाँ पे हमने थोड़ा मोटा ही ब्लैक पेपर कूटा है, क्योंकि पाउडर में उतना अच्छा नहीं लगता है। एक चम्मच हम ब्लैक पेपर डालेंगे। हमने चाट मसाला में नमक होता है, इसके लिए नमक स्वाद के अनुसार थोड़ा सा ही डालेंगे। एक चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे, क्योंकि चाट मसाला से रायता बहुत ही चटपटा तैयार होता है। अपने तीखा के अनुसार हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। भूना जीरा पाउडर से रायता का स्वाद कितना सुंदर बढ़ जाता है ये तो सबको पता है, तो यहाँ पे हम एक चम्मच जीरा पाउडर डाल रहे हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं, अब हम लास्ट में डालेंगे इसमें बूंदी। तो बूंदी को हम इसमें डाल देंगे और एक चम्मच के सहारे इसे हम मिक्स कर लेंगे। रायते के लिए नमकीन बूंदी आती है, हम लोग घर पे भी बनाते हैं। अगर आपको देखना है तो कमेंट में लिखिए, मैं बना के दिखाऊंगी। सबसे लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ता और ये फ्रेश पुदीना पत्ता, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने बूंदी को मिक्स कर लिया है, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता। तो जैसे हमने बोला था कि बूंदी थोड़ा सा पानी ऑब्जर्व करता है, तो इसे हम मात्र 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में हल्की सी अपनी बूंदी सॉफ्ट हो जाती है, फिर हम इसे सर्व करके दिखाएंगे। 10 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं अपनी बूंदी जो है दही में अच्छे से लिपट चुकी है। तो ये अपनी बूंदी रायता बनकर तैयार है। चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो हम एक बॉल लेंगे और उसमें बूंदी रायता ऐसे सर्व करेंगे। बूंदी रायता सबको पसंद है। बूंदी रायता बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आपने देख लिया, हमने मात्र 5 मिनट में बूंदी रायता बना के तैयार कर लिया है। अगर आपको बूंदी की रेसिपी देखनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।